अस्सलाम वालेकुम। तो खुशखबरी ये है कि ZTE वाले एक और नया स्मार्टफोन पाकिस्तान मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं और इस स्मार्टफोन का नाम है ZTE ब्लेड A54 स्मार्टफोन। और ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और एक अट्रैक्टिव डिज़ाइन के साथ आता है और काफ़ी ज़्यादा पोको के स्मार्टफोन से इंस्पायर्ड भी है। आप देख सकते कि इस स्मार्टफोन के रियर साइड पर एक बड़ा सा ब्लैक कलर का कैमरा मॉड्यूल दिया गया। इसी कैमरा मॉड्यूल में आपको डुअल कैमरा सेटअप, एलईडी फ्लैश लाइट दिया गया और ZTE की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। स्मार्टफोन का जो बैक साइड है वो मैट डिजाइनिंग के साथ है और ये जो बैक साइड ये प्लास्टर का दिया गया। और यहाँ पर अगर मैं कलर्स की बात करूँ तो ये स्मार्टफोन तीन कलर्स में आता है, एक ब्लू कलर है, एक ब्लैक कलर और एक व्हाइट कलर में जो है वो अनवील हो चुका है। और तीनों जो कलर थे मुझे काफी डिसेंट और अट्रेक्टिव लगे हैं। स्मार्टफोन एक बॉक्सिंग फ्रेम के साथ है, ये फ्रेम जो 8.5 mm थी के और 185 ग्राम स्मार्टफोन का जो वेट है और साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो लुक है वो काफी खूबसूरत है, काफी अट्रेक्टिव है और मुझे काफी डिसेंट लगा है क्योंकि ये काफी कम प्राइस में आने वाला है और इस प्राइस के हिसाब से मुझे काफी एक अट्रैक्टिव और एक यूनिक डिजाइन लगा है और ज्यादा लोग इसके डिजाइन की वजह से इस स्मार्टफोन को काफी ज्यादा बाय करने वाले हैं। ZTE A54 स्मार्टफोन में दिया गया 6.5 इंच का एक HD प्लस रेजोल्यूशन वाला एक TFT डिस्प्ले जो कि किसी भी तरह के हाई रिफ्रेश रेट के साथ नहीं आता और एक ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले दिया गया जो कि 85% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ। ये जो डिस्प्ले काफी ज्यादा एक आर्डन डिस्प्ले है, लाइक यहाँ पर कोई भी रिफ्रेश रेट नहीं है और एक नॉर्मल IPS डिस्प्ले भी नहीं दिया गया, सिर्फ TFT डिस्प्ले है जो कि उतना ज्यादा मजेदार किस्म का डिस्प्ले क्वालिटी नहीं होता। तो यहाँ पर आप प्राइस भी कम एक्सपेक्ट कीजिएगा और जिस प्राइस में अगर ये आता है, अगर ये 20,000 से नीचे में आता है तो फिर ये जस्टिफाई करेगा, अदरवाइज मैं आपको ये डिस्प्ले किसी भी तरह से रिकमेंड नहीं करूंगा। ZTE A54 स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा UNISOC 9863 का प्रोसेसर जो कि 28 nm पर बेस्ड है और ये बहुत ही कमजोर प्रोसेसर है, लाइक फेब्रिकेशन प्रोसेस भी बहुत ज्यादा है तो बैटरी कंजम्पशन बहुत ज्यादा करेगा और ऊपर से पावरफुल तो बिल्कुल भी नहीं है और जो परफॉर्मेंस सेगमेंट है वो काफी कमजोर होगा। और स्मार्टफोन 4 GB रैम 64 GB वाले वेरियंट के साथ है और साथ में एंड्रॉइड 13 का वर्जन आपको देखने को मिलेगा जो कि आपको उस गो एडिशन होगा, मुकम्मल फुल फ्लेज वर्जन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात इस स्मार्टफोन की प्राइस एंड अवेलेबिलिटी की, तो ये स्मार्टफोन आपको इंशाल्लाह जो पहला वीक है 5 जनवरी तक आपको ये स्मार्टफोन मार्केट में देखने को मिलेगा। और प्राइस की बात करूँ तो ये स्मार्टफोन आपको 20 और 25 हज़ार के दरमियान में मिलेगा, लेकिन उस प्राइस में जस्टिफाई नहीं करता। ये स्मार्टफोन 20,000 से नीचे प्राइस में जस्टिफाई करता है, ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं। स्मार्टफोन की रियर साइड पर डुअल कैमरा सेटअप है, जैसे कि आप देख सकते जो मेन कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का दिया गया F1.9 mm के साथ और एक डेप्थ सेंसर दिया गया है, जबकि फ्रंट पर ये स्मार्टफोन सिर्फ 5 मेगापिक्सल का ड्यू ड्रॉप नॉच वाले कैमरा मेगापिक्सल के साथ आते हैं। तो यहाँ पर जो कैमरा सिस्टम है वो काफी आर्डनरी है, तो आपको ये जिस प्राइस में आएगा उस प्राइस के हिसाब से तो ये चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ZTE ब्लेड A54 स्मार्टफोन में 5 mAh की बैटरी दी गई है, बट ये स्मार्टफोन किसी भी तरह के फास्ट चार्जिंग के साथ नहीं आता, टाइप सी पोर्ट, 3.5 mAh का और एक सिंगल स्पीकर दिया गया है। स्मार्टफोन का जो डिजाइन है मुझे काफी अच्छा और यूनिक लगा है। बाकी आप मुझे बताइए कि आप स्मार्टफोन के लॉन्च डेट के बारे में कितने एक्साइटेड है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इंतजार करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।